हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बता रही हूँ आम की, कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी लौंजी बनाने की रेसिपी। ये लौंजी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कि हम लौंजी को कैसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो ये लौंजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 कच्चे आम लिए हैं। ये आम लगभग 400 ग्राम के आसपास है। अब मैंने इन आमों को अच्छे से छील लिया है और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो लौंजी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2-3 चम्मच तेल लिया है, फिर लगभग आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने ली है कलौंजी। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच सौंफ डालूँगी। सौंफ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर मिलाकर इनको चला लेंगे। फिर हमने जो कैरी काटी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको भी इसमें डाल देंगे। अब कैरी और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिलाते हुए चलाएंगे ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो कैरी के साथ मिल जाए। तो 2-3 मिनट तक हम ऐसे ही मसालों को अच्छे से पका लेंगे। अब पिसे हुए सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले लाल मिर्च डालेंगे, फिर मैं डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसे कलर अच्छा आता है। फिर मैं डालूंगी हींग, फिर थोड़ा काला नमक, थोड़ा चाट मसाला और उसके बाद नमक डालूंगी। आप इसको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। फिर थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। लास्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ है गुड़। मैं यहाँ पर लगभग 8-10 चम्मच या आधा कप गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। ये आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन गुड़ से ही ये जो लौंजी है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इन सारे सूखे मसालों को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम मिला लेंगे। यहाँ पे लगभग मैं 1 बड़ा ग्लास पानी डाल रही हूँ। अब इन सारे मसालों को और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से 15 मिनट के लिए ढककर पकेंगे। बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे। थोड़ी देर बाद इसे चेक करेंगे तो देखिए इसमें अच्छा उबाल आ गया है अभी, लेकिन हम इसे और पकाएंगे। तो 15 मिनट के बाद अब एक बार मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो एक कैरी का टुकड़ा मैंने निकाला और उसे चम्मच से कट करके देखा, ये आसानी से कट रहा है, मतलब कि जो हमारी ये लौंजी की कैरी है वो सारी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसे बिना ढके 5 मिनट तक और उबालूँगी ताकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो अच्छे से उबल रही है हमारी लौंजी, ये बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे ठंडा करके खाइए, ठंडा करके खाने में इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। आप इस लौंजी को आराम से फ्रिज में रखकर 3-4 दिन तक खा सकते हैं। तो ये थी हमारी लौंजी की रेसिपी, इसे आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।